बेहतर होता है, गर्म या ठंडा भोजन? अगर हम एक डिश को अलग अलग तापमान पर परोसे जाने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कौन सा स्वादिष्ट होगा? आज की चुनौती इसी सवाल का जवाब लेकर आई है, चलो शुरू करते हैं। हेली को बहुत गर्मी लग रही है और वह कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तर बतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है। ओह, लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती, उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म ठंडा या कुछ भी नहीं, यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। भाग्यशाली निकली, एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बहुत गर्म है, इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूं? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इस इतना उबलने जैसा गर्म हो? इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं, बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं, तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा, तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म, यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। तीन की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं, 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात, मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा, यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे, यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है, मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूँगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट, चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे, ये बुरा नहीं है, मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। चीजें और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो, यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है?
हाँ, दिलचस्प चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो। हैली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं, अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। अब क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए। आनंद लो। Yes. चीजों को और दिलचस्प बनाते हैं। हैली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछले बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है, और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि अच्छा है या नहीं, केवल एक ही तरीका है। अरे किटकैट्स! और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हैली सहमत है। रेचल, हम कितने भागशाली हैं ना? माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट, और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हैली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओह, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। जमे हुए किटकैट को मिल्कशेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है, और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हैली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांटकर पी रही है। गिरोह को यह चुनौती पसंद आया, बहुत अप्रत्याशित है। हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हैली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह, न्यूटेला! चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड तुम्हें कुछ नहीं मिला है, अब न्यूटेला वापस करो। अब ठीक है। आ यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो, यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है, और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। आह, मेरा मुंह, तब भी यह बहुत अच्छा था। चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह, मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है, और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना। हमारे प्रतियोगी स्टील के अपने पेट के साथ तैयार हैं, और पहला पकवान उनके सामने है समुद्री शैवाल का सलाद। माइक आशावादी दृष्टिकोण रखता है और वह तैयार है, पर कियेरा वापस बाहर निकल जाने को तैयार दिख रही है। तुम दोनों के खाने का समय शुरू। चलो कियेरा, कोशिश करके तो देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? इसमें मुझे संदेह है। एशियन भोजन दोस्त, वहाँ पर कच्ची मछलियों को बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, इसलिए अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि हमें उस सामान की बड़ी प्लेट नहीं मिली है खाने के लिए। क्या तुम सुशी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो अच्छा लगेगा अगर हमें इसके बदले सुशी खानी पड़े, लेकिन यह समुद्री शैवाल का सलाद, छी, यह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इससे ऐसा लगता है मुझे तो फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगा।
खैर मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और ठीक हूँ, तो बस अपना नखरा छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये पेट के लिए बहुत भयानक है, मैं इसे जबरदस्ती नहीं खा सकती। तुम तो इसे देखकर ही घबरा गई, क्या तुमने यह नहीं सुना है कि किसी के रूप को देखकर उसके गुण की पहचान नहीं की जा सकती। तुम मेरे बचे हुए खाने को इस बाल्टी में क्यों डाल रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तो दूसरे दौर में हमारे लिए क्या होगा? वाह, हमें तो इस बार बहुत ही खट्टा का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है माइकी? निजी तौर पर जब खाने की बात हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, बस उपवास के अलावा। मेरा मानना है कि जो भी सामने हो बस खा जाओ और पेट को पता लगाने दो कि उसके अंदर क्या गया है। अगर मैं इस नियम का पालन करूँ तो जीत मेरी है। ओह, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। ओह, चैंपियन कहलाने के लिए हम क्या क्या ना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना माइक? तथ्य के बावजूद कि मुझे पुरस्कार जीतना है, यह नींबू मेरी आंखें और मेरा मुंह बंद करने के लिए निर्धारित है। मुझे लगता है कि अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ मुझसे सीखो एक असली प्रतियोगी, जितना कम तुम इसके बारे में सोचो उतना कम भयानक होगा। और भीड़ पागल हो जाती है क्योंकि माइक फिर से सफल हुआ। और अब थोड़ा नींबू का रस निचोड़ते हैं अपने गुप डब्बे में, और अब मैं अपनी मेहनत से कमाए जीत का जश्न मना सकता हूँ। चीटोस, मैं तो इसे जिंदगी भर खा सकता हूँ। मुझे एक पैकेट दो और मैं इसे खोलूंगा, और फिर मुझे बस रोकने की कोशिश करके देखो, लेकिन यह करने से पहले ही वह गायब हो जाएंगे। शेक चिल्ली की तरह सोचना बंद करो माइक, खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है केरा? हाँ, तो तुम्हें लगता है कि दो छोटे हार के बाद मैं जीत नहीं सकती? तुम बस रुको और देखो, तुम्हें आश्चर्य जरूर होगा। अक्सर गर्व और अहंकार से हीरो की हार हो जाती है। अरे, इसकी अनुमति है? ऐसा तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ऐसे खेलना है केरा? पसंद हो या न हो मिस्टर, इस बार जीत मेरी है। केरा, केरा, केरा। और यह बची खुची जो तुम नहीं खा सके वो हम दोनों की चैरिटी बॉक्स में जाएगा। और इस तरफ आ रहा है सबसे बड़ी, सबसे स्वादिष्ट और रसदार फल जिसके बारे में सोच सकती हूँ। स्वादिष्ट? मैं इसे आधे में काटती हूँ कि हम दोनों अपने चम्मच उठाकर इस दौर को आखिर शुरू कर पाएं। अभी मैं अच्छे खासे पैसों के साथ शर्त लगा सकता हूँ कि जिसे ज्यादा प्यास लगी होगी उसकी जीत होगी। ओह, यह परेशान करने वाले बीजों को फेंकना मैं नहीं भूल सकता जो मेरे और मेरे एक और जीत के बीच खड़े हो रहे हैं। क्या तुमने वो देखा? मैं तरबूज का मशीन गन हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पिछले दौर की तरह मुझे उतनी आसानी से हरा सकती हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो मैडम। ऐसा मत सोचना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। तुमने सुना ही होगा जंग में सब जायज है। इस तरह के प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी से भी अधिक चालाक होना होगा, और ऐसा है कि मेरे पास दोनों दिमाग और ताकत है, तो ध्यान रखना। माफ करना, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि तुम फिर से हार गई। तुम्हारे सबसे नए हार की याद में इस तरबूज को इसमें डालता हूँ। सबसे अच्छा होना तो एक भारी बोझ होता है, लेकिन किसी को तो यह करना ही होगा, और स्पष्ट रूप से तुम यह नहीं कर सकती केरा। खिलाड़ी से नफरत मत करो, खेल से करो। यह सबसे मुझे चिंता हो रही है। छी, इस बच्चे कुछ खाने से कुछ तो बुरा होने वाला है। वाह, आइसक्रीम? बस इतना पता है माइक कि इस बार तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। बास्किन रॉबिन्स का यह डब्बा खाना तो वर्षों से मेरी खासियत रही है। खैर केरा, मैं वादा करता हूँ कि जितनी भी मुझे ठंडी लग जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, भले ही मुझे बुरी तरह से सर्दी लग जाए और मैं 102 डिग्री के बुखार से बिस्तर पर लेटी रहूं, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी। बातें कम और आइसक्रीम ज्यादा केरा, देख लेंगे कि जीत किसकी होगी। तुमने जरूर बहुत कम मात्रा खाया होगा और अभी तुम्हारे लिए बहुत बाकी होगा, तो तुम्हें अपने आप को आइसक्रीम की रानी कहलाने में पछतावा होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा माइक, क्योंकि मैं वही हूँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद अपने आप देख लो। कृपया मुझे केवल रानी केरा कहकर पुकारो, क्या आप कुछ नहीं कहना है?
हे भगवान, मैं समझती हूँ कि हार को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन तुम्हें इस वाले से समझौता करना सीखना ही होगा, और ऐसे ही आगे चलकर बहुत सारे आने वाले हैं। हाँ यार, डोनट्स, मैं सोच ही रहा था कि इनका आगमन कब होगा। आखिरकार ये गोल गोल सुंदरियाँ आज की चुनौती का एक हिस्सा है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि यह केक कौन ले जाएगा, या मेरा मतलब है डोनट जो यह था। आखिर इसे किसी प्यार नहीं होगा, और इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक उचित और वास्तविक प्रतियोगिता है। अब चलो केरा, कुछ मत सोचो, बस जितनी तेजी से चबा सकती हो चबाओ। घड़ी टिक टिक कर रहा है, इसका मतलब है कि हर सेकंड बहुत कीमती है। तुम्हारे बारे में तो नहीं पता केरा, पर मैं मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जल्दी से रुक जाऊंगा। कैसे एक दोस्त अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में पीछे हट जाए और किसी को भी उसे ज्यादा खाने दे दे। दोस्तों, मेरा पेट तो गहरे गड्ढे के समान है जो कभी भी भरता ही नहीं है, है ना? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ माइकी दोस्त, पर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति नहीं हो जो अंतहीन रूप से खा सकता है। और माफ करना मेरे दोस्त, पर एक बार फिर से तुम्हें मेरी क्षमता के आगे झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम उतने तो नहीं खा सकते जितना तुमने सोचा था। और मैं तुम्हारे घाव पर नमक नहीं छिड़क रही, पर स्पष्ट रूप से मैं तुमसे आगे हूँ। हाँ हाँ यार, अब असलियत को स्वीकार कर लो। तुम एक लड़के जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में हो एक छोटी सी लड़की से हार गए हो। ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे प्लेटों में कुछ सब्जियाँ मिली हैं। माइक, और एक छोटी सी लड़की के रूप में हम दोनों जानते हैं इस तरह के सभी पौष्टिक खाना को खाने में मैं अधिक कुशल हूँ। तुम किसी भी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाती हो केरा। बस क्योंकि हम सब जल्दी से बर्गर जैसे खाना को खा लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मक्का और बीन जैसे खाना हम नहीं खा सकते। इसलिए अपनी गति बढ़ाएं या धीमी करें, या तुम मेरे लिए आसान बनाना चाहती हो तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस दौर के अंत में आंसू से बचने वाली नहीं हो। अब आगे बढ़ते हो, मैं अपने शब्दों से पीछे हट रहा हूँ। क्या ड्रॉ कहें, तुम्हारा क्या कहना है? मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ। अब मुझमें और इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस शाकाहारी खाने को और चबा सकूँ। अरे यार, हमारे कंटेनर इस प्रतियोगिता के दौरान अच्छी तरह से भर गए हैं, पर ये देखने में तो और बदतर हो जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ इस विषय पर कोई बहस नहीं करूँगा, लेकिन ये जीतने की कुंजी है। ओ नहीं माइक, ऐसा नहीं है। कहो मुझे नहीं करना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी बच्चों वाली परियों की कहानी का अंत कर रही हो? गलत, अब समय है, इसे खाने जा रहे हैं। पहले चेतावनी ना देने के लिए तुम मुझे माफ कर दो, पर अगर ये बात पहले ही पता चल जाती तो हम शुरू करने से पहले ही इससे दूर भाग जाते। पर अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है दोस्त। अब तुम्हारी बारी। ओह, चुनौतियों की रानी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी शुभकामनाएं देता हूँ इसे मिलाने के लिए। मेरे बारे में चिंता मत करो, एक बार जब मैं कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती हूँ तब फिर मैं लंबी दौड़ के लिए तैयार हो जाती हूँ। कृपया सभी एक सुरक्षित दूरी पर खड़े हो जाएं, अभी केरा पाक कला के इतिहास का सबसे खराब स्मूदी बनाने के लिए तैयार है। उफ, मानव इतिहास का सबसे खराब स्मूदी। तो अच्छा, अब यह समय इस आविष्कार को चख कर देखने का कि अब वास्तव में हमने क्या बनाया है। तुम्हारे लिए माइक, तुम्हारे लिए प्यार के साथ। ओह भगवान, ये तो बहुत ही खराब है। यह सबसे बुरी चीज है जिसे मैंने कभी भी चखा है। यहाँ नजदीक में बाथरूम किधर है? आप आज हमारे साथ रहे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जब आप थोड़ी सी हमारी तरफदारी कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें।